हेलो, तो कैसे हैं गाइस? आई होप अच्छे होंगे। मैं पाठक चर्चितानंद आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने पाठक एजुकेशन सेंटर में लर्न विथ फन। तो चलिए, आज का मैं टॉपिक बता दूं कि आज हम लोग अपने ट्यूटोरियल्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नहीं, आज हम लोग सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में हम आपको दिलवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 सर्टिफिकेट, जो कि बिल्कुल फ्री में हम आपको दिलवाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे लेना है सर्टिफिकेट, आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना है और कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, कैसे अपने ईमेल पे सर्टिफिकेट भेजना है, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो देखें सबसे पहले। तो चलिए सीधे आपको मैं ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन। आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसमें आपको लिखना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है place.mygov.in/NHRC, दैट मींस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आपको कैसे सर्टिफिकेट लेना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, तो मैं आपको पूरी जानकारी इसमें देता हूँ। चलिए, आप जैसे ही ये क्रोम खोल करके ये डालेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इस पे सिंपली क्या करना है, अगर आप एक नागरिक के रूप में है तो एज ए सिटीजन इस ग्रीन वाले आइकन पे क्लिक करना है, और आप अपने संगठन के लिए ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप इस ऑरेंज वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए, हम एज ए सिटीजन के रूप में ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा। आपको इसमें अपना डिटेल्स फिल करना है, ठीक है, बेसिक डिटेल फिल करना है। तो बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पे आप जो भी हैं, श्री श्रीमती कुमारी, डॉक्टर, मास्टर, मिस, अदर्स, ठीक है, जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं श्री सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको पहचान आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, तो मैं डालता हूँ इसमें, देखिए आधार नंबर का नहीं है तो आप सिंपली कर लेंगे क्लिक अदर्स पे। अदर्स पे करने के बाद यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपने आईडी प्रूफ पे क्या दिया हुआ है, तो इसमें मैं डाल देता हूँ आधार, ठीक है, उसका लिखना होगा कि आप दे रहे हैं आईडी प्रूफ में। इंटर करिए, आता है आधार नंबर, ओके। फिर आपको यहाँ पे फिल करना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ से फिल कर लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया। उसके बाद आपको करना है फिल अपना पिन कोड, पिन कोड फिल कर लीजिए। तो मैं अपना पिन कोड फिल कर देता हूँ, ओके। फिर आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको डालना है ईमेल आईडी, आपको डालना है मोबाइल नंबर। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक ईमेल आईडी से आप एक ही सर्टिफिकेट ये डाउनलोड कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ईमेल आईडी एंड यू, इस पे वीडियो मैं लेकर आऊँ, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप यस लिखे जरूर लिखे, ठीक है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो में जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे क्लिक करना है आपको लैंग्वेज के लिए। फिर देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश, हिंदी, जो भी, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सपोर्ट पर यानी रीड प्लेज, ओके, इस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ प्लेज आ गया, आपको प्लेज को पूरा पढ़ना है और आपको शपथ लेना है, ठीक है। जैसे ही आप शपथ लेंगे तो आप इसको देखिए क्या हुआ कि मैंने शपथ ली, आई प्लेज, मैंने शपथ ले लिया, तो मैं आप इस पे क्लिक करना है। फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, इसमें इंटर करना है और आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होने लगेगा, और जनरेट हो गया। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो लगा हुआ है, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया। और इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे। और सेव इमेज एज पे क्लिक करने के बाद आपको इस सर्टिफिकेट को जहाँ रखना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और सिंपली इसको सेव कर दिया। देखिए ये डाउनलोड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इस सर्टिफिकेट को अपने मेल पे भेजने के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड सर्टिफिकेट टू मेल, ठीक है, तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ये सर्टिफिकेट आपके मेल पे चला जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट मेल सेंड टू अर्चित पाठक 0609@gmail.com, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट हो गया। अब अगले सर्टिफिकेट का हम लोग बात करते हैं, तो आपको सिंपली अब न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करके आपको यहाँ पे, मैं कॉपी किया हुआ हूँ उस साइट का, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसका क्या है साइट का। आपको मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिंक को पेस्ट करना है, इंटर करना है, तो आप इंटर कर जैसे ही करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। और इस पे देखिए बहुत सारा सर्टिफिकेट है, देखिए काउंट में करके बता दूँ कितना सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, 1, 2, 19, 20, 21, यानी 21 सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है।
आप जो भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं आप यहाँ से अपना बेसिक डिटेल्स फिल करके आप उसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ। जैसे देखिए ये है कि आई प्लेज टू फाइट अगेंस्ट द स्टिग्मा ऑफ कोविड-19, और ये शपथ लेंगे कि मैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, तो आप उसके रिगार्डिंग ये शपथ ले सकते हैं। अगर आप किसी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप कोई ग्रुप में हैं या और आपका ग्रुप कोविड-19 के में सेवा दे रहा है, कुछ सर्व कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आपने वचन लिया है कि मैं घर पे ही रहूंगा कोरोना वायरस में पूरे, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँ, तो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो मैं कोई भी एक सर्टिफिकेट लेकर के बता देता हूँ, बाकी सबका एक ही जैसा प्रोसेस है, तो आप कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये सर्टिफिकेट लेकर दिखा देता हूँ कि प्लेज टू स्टे होम, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा, इस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शपथ लीजिए टेक प्लेज, इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना है। बेसिक डिटेल्स में फिर अपना नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, नेम फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल मैं कर देता हूँ। फिर आपको सेलेक्ट करना अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड डाल दीजिए अपना। पिन कोड डालने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको डालना है यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है, तो चलिए मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डाल दिए हम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भाषा का चयन करना है। फिर आपको नेक्स्ट इस पे क्लिक करना है, भाषा का चयन। तो आपको अब यहाँ से सिलेक्ट करना है किस भाषा में, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं आपको ये पेज पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है। चलिए हमारे सामने ये बटन आ गया कि मैं शपथ ली, इस पर क्लिक करना है। और फिर आपको OTP डालना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कितना अच्छा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लोगो लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब इसको आपको सिंपली अगर PC पे काम करें तो राइट क्लिक करके मैं बताया हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है। सिर्फ इमेज पे जाइए, यहाँ से आपको सेव कर लेना है। अगर आप चाहते हैं सर्टिफिकेट अपने मेल पे भेजने के लिए, तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये सर्टिफिकेट मेल पे चला जाएगा। तो मैं अब थर्ड सर्टिफिकेट के बारे में बात बता दूं, तो आपको फिर से न्यू टैब खोलना है और उसमें लिखना है CVC सर्टिफिकेट। CVC प्लेस भी लिख सकते हैं और सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। देखिए तो जो फर्स्ट लिंक आएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इसको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक है एक नागरिक के रूप में एज ए सिटीजन के रूप में आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैं आपको सिटीजन के रूप में सर्टिफिकेट लेने के लिए बता देता हूँ। तो आपको इस पे क्लिक करना है ग्रीन वाले आइकन पे। फिर आपको यहाँ पे नेम डालना है, मैं नेम प्राक से इंटर कर देता हूँ। जो भी आपका जेंडर है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पे अदर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे को डालना है आधार नंबर, तो मैं यहाँ पे आधार का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो मैं अदर पे क्लिक करके यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि क्या डाल रहा हूँ मैं नंबर। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ, आधार लिख दिया कि आधार मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए अपना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है आपको, पहले मैं आपको यहाँ से चूज करने में आसानी होगी। पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अपना डेट सेलेक्ट, ये आसानी होगी। फिर आपको इंटर करना है अपना पिन कोड, पिन कोड करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट। फिर आपको सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको डालना अपना ईमेल आईडी। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, भाषा का चयन के लिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से भाषा को चूज करना है, ओके। तो आप भाषा को यहाँ लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश, ओके। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसेस करता हूँ। आगे बढ़ने के बाद आपको ये प्लेस पढ़ना है, उसके बाद आपको आएगा एक OTP, OTP इंटर करना होगा, तब आपको सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये पूरे सर्टिफिकेट ये पढ़ लीजिए अपना। प्लेस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करना है, मैं सब प्रतिज्ञा ली और आई प्लेज। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे, ये सर्वे है तरह का कि आपने ये चीज़ को कहाँ से जाना है, ये सर्टिफिकेट मिल रही है। तो आपको यह सिंपली क्लिक कर देना, आपने जहाँ से भी जाना हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाना है, डिजिटल मीडिया के थ्रू, फैमिली फ्रेंड, SMS, ईमेल, ठीक है, तो आप यहाँ सोशल मीडिया कर दीजिए, सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको सिंपली करना है OTP, ठीक है। OTP आपको कहाँ गया होगा, जो मोबाइल नंबर एंटर किए थे उस पर OTP जाएगा, तो आपको OTP यहाँ पे सिंपली डालना है। चलिए मैं OTP डाल देता हूँ। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये देखिए आपका ये सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। आपको अब ये सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, तो राइट क्लिक करके सेव इमेज पे जाइए और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
फिर अगर आप चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट हमारा ईमेल पे भी रहे, ईमेल पे आपको भेजने से क्या होगा कि आप इस सर्टिफिकेट को कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज से, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सर्टिफिकेट को ईमेल पे भेज दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको मैसेज आ गया कि सर्टिफिकेट मेल सेंड। यहाँ पे आप देख लीजिए ये नागरिक यानी सिटीजन, इतना सिटीजन ने ये शपथ लिया हुआ है और इतने ऑर्गेनाइजेशन ने शपथ लिया हुआ है। अगर आप पहले से अपना ये सर्ट टिकट पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आप चाहते हैं कि इस ऐसा ही वीडियो मैं और लेकर आऊँ तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस टॉपिक का आप वीडियो चाहते हैं। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने प्लीज अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, उनसे ये बात बताएं कि आपको फ्री में सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है और आप उन्हें भी दिलवाएं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी आप दिक्कत आएगी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, पाठक चर्चितानंद के नाम से मेरा आईडी है, आप वहाँ फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं जरूर रिप्लाई, ठीक है। थैंक्स।